हेलो दोस्तों, आज 22 अगस्त 2023 दिन मंगलवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन का विरोध, प्रदेश भर में देश भर से गैर चिकित्सक शिक्षक जुटे हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारी नौकरियां खत्म होंगी। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC के खिलाफ देश भर से आए गैर चिकित्सक शिक्षकों ने नई दिल्ली में सोमवार 21 अगस्त को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि NMC की गाइडलाइन से हमारी नौकरियों पर खतरा है। वहीं राजधानी दिल्ली के गरीब परिवारों को फ्री में चीनी मिलेगी, CM अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 2,80,000 से अधिक गरीब परिवारों को दिसंबर तक फ्री चीनी उपलब्ध कराएगी। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा राजधानी दिल्ली से एक अलर्ट करने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली NCR में अब इस रहस्यमय बुखार के मामले बढ़े हैं। डॉक्टरों ने भी चेताया, ऐसे लक्षण दिखाई दे तो नॉर्मल फीवर ना समझे। दिल्ली NCR में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के बाद अब एक और तरह का फीवर भी लोगों को परेशान कर रहा है। इस बुखार को मेडिकली टर्म में स्क्रब टाइफस कहा जाता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो स्क्रब टाइफस से अब तक 13 लोग बीमार हो चुके हैं। हालांकि स्क्रब टाइफस से अभी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो ये फीवर अगर लंबे समय तक बना रहे तो मरीज के ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं और मरीज की जान जाने का भी खतरा रहता है। ऐसे में इस बुखार के बारे में आपको भी जानकारी रखना जरूरी है। स्क्रब टाइफस एक खतरनाक बीमारी है जिसका लक्षण डेंगू की तरह ही होता है, लेकिन ये खास प्रकार के कीड़े के काटने की वजह से होती है और इस कीड़े को टिक कहा जाता है, जो पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में यह बीमारी दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी फैल रही है और यह बीमारी बच्चों और बुजुर्गों दोनों को शिकार बनाती है। इस कीड़े को काटने से एक खास प्रकार का निशान बन जाता है जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बरसात के दिनों में ये स्क्रब टाइफस के मामले अधिक आते हैं। सावधानी आपको यह बरतनी है कि बरसात के मौसम में खेतों में जमीनों पर चलने के दौरान जूते चप्पल जरूर पहने और अगर में रहते हैं तो नमी ना होने दें, बिस्तर और कपड़े साफ रखें, समय समय पर दवा का छिड़काव करते रहें, बुखार अगर बार बार आ रहा तो अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट खबर। पंजाब और हरियाणा के किसानों का ऐलान, चंडीगढ़ में आज धरना देंगे, 5,500 जवान तैनात किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान चंडीगढ़ में घुसकर सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में धरना देना चाहते हैं। चंडीगढ़ पुलिस किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की योजना बना रही है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ आने वाले कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। बाढ़ से खराब हुई फसल के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के किसान संगठनों ने आज मंगलवार यानी 22 अगस्त को चंडीगढ़ में धरना देने का ऐलान किया है। वही बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई। कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। बरसात से हुए नुकसान पर चर्चा होगी, राहत कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। वही हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। उत्तराखंड में भी बादल बरसेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वही मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 22 से 24 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भी एक हफ्ते तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। बड़ी खबर है ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए PM मोदी आज मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 अगस्त तक आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार सुबह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे। 3 बार के वर्चुअल मीटिंग के बाद ब्रिक्स की यह पहली इन पर्सन मीटिंग होने जा रही है। 22 तारीख को PM मोदी ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में हिस्सा लेंगे, 23 तारीख को ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे, ये 2 सेशन में होगा। वहीं PM मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ग्रीस जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस से होगी। 1983 में इंदिरा गांधी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ग्रीस दौरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर दक्षिण अफ्रीका से जुड़ेंगे PM मोदी। वहीं आपको बता दें चंद्रयान 3 के पास साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका। इसरो ने कहा कि 23 अगस्त को अगर कुछ दिक्कतें आई तो फिर 27 को लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को लेकर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो फिर चांद पर यान की लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। इसरो के अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी NIN से सोमवार को देसाई ने बताया कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। कोई समस्या नहीं होती है तो हम 23 अगस्त को ही लैंडिंग करेंगे। बड़ी खबर है सीमा हैदर, संगीता के बाद अब सानिया, प्रेमी के लिए बांग्लादेश से नोएडा पहुंच गई हैं। बांग्लादेश की रहने वाली सानिया अख्तर 1 साल के बेटे को लेकर अपने पति के पास नोएडा पहुंची और यहां आकर उसे पता चला कि जिस युवक से उसने ढाका में लव मैरिज की थी उसने यहां आकर दूसरी शादी कर ली है। महिला का कहना है कि वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। वहीं भारत NK5 लॉन्च हो जाएगा। देश में अपनी कारों का क्रैश
क्रैश टेस्ट देखने को मिलेगा, सेफ्टी रेटिंग भी पता चलेगी, यानी भारत में दौड़ने वाली कार कितनी सेफ है या अनसेफ है इसका फैसला कोई विदेशी एजेंसी नहीं बल्कि हमारी स्वदेशी एजेंसी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 22 अगस्त को भारतीय सेफ्टी एजेंसी है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी BNCAP की ओपनिंग करेंगे। वही मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की पिछोर को जिला बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है। उन्होंने पिछोर की जनता से कहा कि एक वादा तुम करो और एक वादा मैं करता हूँ। प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, पिछोर को जिला बनाकर मैं दूंगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर सेबी से जुड़ी हुई है। सेबी ने नए नियम जारी किए हैं, अब 21 दिनों में निपटेगा आपका काम। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेशक शिकायत निवारण मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए नियमों को नोटिफाई किया, जिसमें संबंधित संस्थाओं को 21 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करना होगा। आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर, आरपीएससी पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा अपडेट, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, स्थानीय निकाय मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी विचार करने से इंकार कर दिया। वहीं असम में बहुविवाह पर रोक लग सकती है, मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी ने प्रस्तावित कानून पर सुझाव मांगे, 30 अगस्त तक सुझाव भेजने होंगे। यानी असम में एक से ज्यादा शादी करने पर बैन लगाने को लेकर कानून लाने की तैयारी की जा रही है। पंजाब में मेरा बिल GST ऐप लॉन्च हो गया, मंत्री जी ने कहा कि टैक्स चोरी बंद करने में मदद मिलेगी, खरीदारी पर हर महीने इनामी ड्रा निकलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने GST से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद मेरा बिल नामक GST ऐप लॉन्च की गई। बिहार की जाति आधारित गणना मामले में केंद्र की एंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा, यानी बिहार में जाति आधारित गणना मामले में अब नया पैच सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आधी सुनवाई के बीच इस मामले में केंद्र सरकार की एंट्री हो गई, अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। वहीं अफसरों की पैसे पर गाइडलाइन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र का सुझाव है असाधारण मामले में ही कोर्ट बुलाए, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट सरकारी अफसरों की कोर्ट में पैसे को लेकर गाइडलाइन दे सकता है। 16 अगस्त को केंद्र ने सुझाव दिया था कि असाधारण मामलों में किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पैसे होने के लिए कोर्ट बुलाया जाना चाहिए। सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस बात पर भी विचार करेंगे कि कोर्ट में पैसे होने के दौरान किसी अधिकारी की ड्रेस कैसी होनी चाहिए। कोर्ट ने एक कमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए किया है। वहीं इंडिया की मुंबई मीटिंग में जाएंगे केजरीवाल, 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी तीसरी बैठक। कांग्रेस ने कहा 2024 में जीत के बाद तय होगा PM। वहीं जयपुर में 23 अगस्त को पानी का संकट हो सकता है, बिसलपुर से बंद होगी सप्लाई। बिसलपुर बांध में 6 घंटे पावर कट रहने के कारण पंप हाउस से पानी आगे नहीं भेजा जा सकेगा। वहीं तेलंगाना में BRS ने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है, 115 सीटों पर ऐलान हुआ, KCR 2 सीटों से लड़ेंगे। हरियाणा में 20 IPS बदले, हरियाणा में नए DGP शत्रुजीत कपूर के चार्ज लेते ही सरकार ने सोमवार को 20 IPS अफसरों का तबादला कर दिया। इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, 23 साल के युवक को हार्ट अटैक आ गया, लखनऊ से शारजाह जा रहा था विमान। चीन को चुनौती देने के लिए भारत दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बना रहा है, फाइटर जेट भी उड़ेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की 71,000 सीटों पर 2 आवंटन सूची के तहत 64,288 एडमिशन हो चुके हैं, अब करीब 7,000 सीटें खाली है और इन सीटों को भरने के लिए शेड्यूल के मुताबिक तीसरी आवंटन सूची अंतिम सूची मंगलवार शाम को 5 बजे जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट, सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से उम्मीदवारों को झटका लगा है, अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लग गई है। वहीं टेस्ला के कर्मचारियों ने किया डेटा लीक, 75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। टेस्ला डेटा लीक की दुर्घटना से लगभग 75,000 कर्मचारियों के व्यक्तिगत जानकारी को कोई अंदरूनी व्यक्ति अधिकृत रूप से ले गया और एक विदेशी मीडिया आउटलेट के सामने साझा कर दिया। बिहार वेदर अपडेट आ रहा है, बिहार के 11 जिलों में आज भारी बारिश होने का अनुमान है, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2023 से जुड़ा अपडेट आया, सीनियर सेकेंडरी लेवल के प्राप्तांक में भूतपूर्व सैनिकों को 5% की शिथिलता। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों को अगस्त से ही मिलेगा 7वां वेतनमान, महंगाई भत्ते में वृद्धि। प्रदेश के 21,110 पंचायत सचिवों को अगस्त से 7वां वेतनमान मिलेगा। वहीं बड़ी खबर है नॉर्थ कोरिया को लेकर, 24 से 31 अगस्त के बीच सैटेलाइट लॉन्च करेगा उत्तर कोरिया, जापान ने यह दावा किया है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है, अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। जम्मू में हाईवे पर IED बरामद हुआ, 1 जुलाई से जारी अमरनाथ यात्रा अब तक शांतिपूर्वक चल रही है। वहीं COVID-19 से जुड़ा अपडेट, केंद्र ने कोविड पर हाई लेवल बैठक की है, राज्यों से जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा गया है। बिहार से जुड़ी खबर, 10वीं तक के छात्रों को
स्कॉलरशिप का तोहफा देने की तैयारी में सरकार। राज्य के गरीब छात्रों को लाभ मिलेगा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1,37,00,000 छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने की तैयारी हो रही है। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के बीच भारत का विदेशी व्यापार 20% बढ़ा है। जून में $626 बिलियन हुआ। मातृभाषा में शिक्षा का अवसर, बदलाव का आधार, पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती पर राज्य सरकार को पीएम मोदी ने बधाई दी है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है, महादेव ऐप पर ईडी का शिकंजा, 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब महादेव बुक ऐप के आरोपितों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में ईडी ने पहली बार ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, किसानों को मिलेगी डिजिटल भू अधिकार पुस्तिका, ₹45 चुकाने होंगे। किसानों को भू अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब नवीन भू अधिकार पुस्तिका डिजिटल जारी होगी। पूर्व में जारी भू अधिकार पुस्तिका भी प्रचलन में रहेगी। भू अधिकार पुस्तिका के प्रथम पेज के लिए ₹30 और अतिरिक्त प्रति पेज के लिए ₹15 शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना से जुड़ी खबर है। भोपाल में 22 अगस्त को सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ करेंगे। योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है, अंग्रेजी हुकूमत का आभास कराने वाले नियम रद्द किए जाएंगे, नियमावली बदलेगी। यानी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अंग्रेजों के दबदबे का आभास कराने वाले सभी नियमों को खत्म करने जा रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश भागीदार अधिनियम 1933 के नियमावली में संशोधन करेगी। प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है, अब अगले साल सुनवाई होगी। वहीं गौतम अडानी ने बड़ी छलांग लगाई है, धन कुबेरों की टॉप 20 की लिस्ट में वापसी हो गई है। सोमवार को भी अडानी स्टॉक्स के शेयर ताबड़तोड़ तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अब निजी अकादमियों को भी मिलेगी मदद, खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान हुआ। सरकार निजी क्षेत्र की खेल अकादमियों को भी मदद देगी, इसके लिए सरकार ने अपनी खेल नीति में परिवर्तन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने और बड़ा फैसला लिया है, अब कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री में किताबें मिलेगी। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। वहीं अब नौकरी भी दिलाएगा ट्विटर, एक से बढ़कर एक जॉब ऑफर्स मिलेंगे। एक्स यानी कि ट्विटर पर बहुत ही जल्द आपको नई जॉब की डिटेल भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के रेट। सोना सस्ता और चांदी महंगी हुई है। सोमवार सुबह सोने का भाव ₹58,345 प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव ₹70,484 प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब चलते चलते बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर अपडेट। संपूर्ण भारत का आज 22 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है अगले 24 घंटों के दौरान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बरसात होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट भारी बरसात देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक या दो जगहों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भी छिटपुट बारिश की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारी टीम की मेहनत और सपोर्ट के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और हर रोज काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो देखते रहें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।